ओए नालायक, तेरा फोन देख, टू टू कर रहा है। फोन ही तो है बाबा, टू टू तो करेगा ही ना। अब आपकी तरह बिना बात के डांटेगा तो नहीं। क्यों भाई, फिर से किसी लड़के ने घर वालों से पिटने के लिए बुलाया क्या? ये दांत क्यों निकाल रहा है, इतना खीखी क्यों कर रहा है? आप सुनोगे तो आप भी हंस पड़ोगे बाबा। गौरी का मैच जाए, जेठ जी की बेटी का। मैंने कहा था ना आपको कि गौरी मेरे प्यार में पड़ चुकी है। अब प्रगति के पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला। क्या लिखा है, पढ़ तो जरा। अरे बाबा, थोड़ा प्राइवेट है, बट मुद्दे की बात यह है बाबा, गौरी ने एक घंटे में मुझे वही मेहंदी वाले पेड़ के पास बुलाया है। अच्छा, इतना प्यार करती है तुझसे? और नहीं तो क्या बाबा, आपके बेटे की कुछ बात ही ऐसी है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करो आप अपने बेटे पे, फायदे में रहोगे। सेठ जी, हमने घर के सारे खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए, अब चांद की रोशनी घर में नहीं आएगी। ओह, लेकिन नींद तो आ जाएगी ना सेठ जी। मेरा मतलब मायरी, हमने आज बहुत काम कर लिया ना, तो हम थक गए हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों जाके सो सकते हो। वैसे भी हमारे होने वाले कार्यक्रम में तुम लड़कों का कोई काम नहीं है, जाओ। भाभी, मुझे ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। मेरा मतलब है, हमने सुनीता को नहला धुला के, बाल खोल के, ये हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनाए? प्रगति, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए आज हमें खासकर सुनीता का बहुत ध्यान रखना है। हमें हमारी सुनीता को चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाना है, मतलब देविका को से दूर रखना।